सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर 16 अक्टूबर को सेल शुरू होने वाली है, जिसमें हमें सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी डील देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस डील में हमें क्या देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छी डील है। काफ़ी लोग हैं जिन्हें सैमसंग के फ़ोन अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3-4 ऐसे फ़ोन बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपको इसी सेल में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी डील देखने को मिल रही हैं। तो मैं अब दोस्तों आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि सैमसंग के ऐसे कौन से फ़ोन हैं जिन पर आपको काफ़ी अच्छी डील देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको किसी भी फ़ोन का कोई भी फुल डिटेल रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा डिटेल में रिव्यू बताऊंगा किसी भी फ़ोन का तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वैसे ही पता होगा जिन जिन फ़ोन के बारे में आपको बताऊंगा उनके बारे में आपको दोस्तों पहले से ही पता होगा कि इन फ़ोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको डील के बारे में बताऊँगा कि आपको इस डील में कितने का डिस्काउंट मिलने वाला है और कौन कौन से फ़ोन हैं जिन पर आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, सादा बैल आइकन दबा दें, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सैमसंग की पूरी डील के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पहली डील की बात करें तो सैमसंग का S20 प्लस आपको स्टील के अंदर 50,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास SBI कार्ड है तो आपको इसके ऊपर 5,000 रुपये डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों ये फ़ोन आपको 45,000 रुपये में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, 45,000 रुपये का फ़ोन अगर आप इसे अभी खरीदते हो तो आपको ये फ़ोन 80,000 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके दोस्तों, आप इस फ़ोन पर 35,000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो इस सेल के अंदर। दोस्तों, दूसरी डील की बात करें तो सैमसंग का A50s अगर आप इसे अभी प्राइस करते हो तो ये फ़ोन आपको 18,500 रुपये देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे सेल में खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको 14,000 रुपये का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है तो अगेन आपको 14,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये फ़ोन दोस्तों आपको 12,600 रुपये में पड़ जाएगा। दोस्तों, तीसरी डील की बात करें तो सैमसंग का A70s आपको 22,999 रुपये का पड़ जाएगा। अगर आप इस फ़ोन को अभी परचेज करते हो तो ये फ़ोन आपको 31,000 रुपये का दिखेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे सेल में खरीदते हो तो 23,000 रुपये का फ़ोन जी दोस्तों आपको मिल जाएगा। और आपके पास SBI कार्ड है तब आपको इसके ऊपर 2,300 रुपये का डिस्काउंट अलग से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये फ़ोन आपको 20,000 रुपये का असर पड़ जाएगा। दोस्तों, अगली डील की बात करें तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 प्लस अभी आपको 85,000 रुपये में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे सेल में खरीदते हो तो दोस्तों जो आपको 56,000 रुपये देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास SBI कार्ड है तो दोस्तों इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये काफ़ी अच्छी डील हैं जो आपको इस सेल के अंदर मिलती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको सैमसंग के ब्रांड काफ़ी पसंद आते हैं, सैमसंग पर दोस्तों वो काफ़ी भरोसा करते हैं, क्योंकि दोस्तों सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, सैमसंग की सर्विस होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, और सैमसंग की दोस्तों जो दोस्तों और दोस्तों सैमसंग की जो डिज़ाइन होती है वो भी दोस्तों काफ़ी पसंद आती है लोगों को। तो दोस्तों, अगर आपको सैमसंग के फ़ोन अच्छे लगते हैं तो आप इस सेल का वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस सेल के अंदर आपको सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी डील देखने को मिल रही हैं, जो कि दोस्तों सभी अलग अलग रेंज पर दी गई हैं। इसमें दोस्तों आपको मिड रेंज भी दी गई है, हाई लेवल भी दी गई है, और दोस्तों आपको अगर हाई लेवल का फ़ोन चाहिए तो वो भी आपको इसमें दिया गया है। और दोस्तों, सभी फ़ोनों पर आपको 10% का डिस्काउंट अलग से देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास SBI कार्ड है तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डील के बारे में अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप किन किन फ़ोन पर कितनी कितनी डील ले सकते हो और कितना डिस्काउंट अलग से ले सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं तरह वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।